हमारा टेक्निकल परेशान में स्वागत है दोस्तों। मैं बात करने वाला हवाई के दोस्तों और उसी की बेस्ट कंपनी हॉनर है उसी की बैंक के बारे में दोस्तों। उसकी कुछ डिटेल है दोस्तों, उसी की डिटेल शेयर करने वाला हूँ कैसे किस तरीके से और कब तक चलेगा और बैंक जो लिमिट दी गई उसके बाद क्या होगा। चले दोस्तों फिर आगे बढ़ने से पहले बता दो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन का छोटा सा घंटा उसे क्लिक कर दिया ताकि वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आपने कर रखा तो वीडियो प्लीज दोस्तों साथ शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करें, और घर में किसी का फोन तो उनके फोन पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों प्लीज। अगर दोस्तों आपने देख भी रखा तो प्लीज दोस्तों साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनको नहीं पता हो दोस्तों। चलो दोस्तों फिर आगे दोस्तों बात कुछ ऐसी है, अभी बैंक का 3 महीने का लिमिट दिया गया जिसमें 1 महीने के आसपास निकल चुका है दोस्तों, 1.5 से 2 महीने हवाई के पास और दोस्तों। अब बैन इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि आपको पता है चाइना का कुछ ऐप है, अब इंडिया में भी चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है चाइनीज ऐप, वो फोन में थोड़ा उन पर भरोसा कम होता है। तो यही है दोस्तों, अमेरिकी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हवाई ये जो मतलब अमेरिका में नहीं और भी जगह डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को शेयर करता है, चाइना गवर्नमेंट को शेयर करता है। तो दोस्तों यही अमेरिका गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी गवर्नमेंट राष्ट्रपति, उन्होंने ये अनाउंस मतलब निर्देश दिए थे कि जो अमेरिकी बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिका में वो हवाई के साथ किसी भी तरीके से छोटा सा छोटा भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे काम। तो उसके लिए अभी दोस्तों 2-3 महीने का टाइम दिया गया था जिसमें से एक महीने से ऊपर निकल चुका है, 2 महीने के आसपास और बचा है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है इसका पता नहीं है दोस्तों, अभी तो हवाई ने कुछ बताया नहीं है, कुछ अनाउंस नहीं किया दोस्तों। अब देखते हैं लिमिट जो दी गई उसके बाद खत्म, अगर खत्म हो गए दोस्तों और हवाई ने कुछ नहीं किया तो दोस्तों फोन जो हॉनर के पास है उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। कि मान लीजिए अभी देखिए दो चीज़ चलता है, एंड्रॉयड और आईओएस, आईओएस भी अमेरिका का, एंड्रॉयड भी अमेरिका का ही है। तो दोस्तों अगर जैसे आप कोई वो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ अपना बना लेता, प्रोसेसर तो है ही हॉनर का, अगर कुछ बना लेता तो दोस्तों जैसे अभी आईओएस है तो अभी गूगल तो एंड्रॉयड का ना गूगल चलता है, गूगल से कुछ ऐप है यूट्यूब वगैरह हो गया वो भी यूट्यूब पे चलता है ना, लेकिन बैन होने के बाद दोस्तों एक काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, बंद हो सकता है। कैसे बंद होगा, कितना किस तरीके से होगा दोस्तों अभी पता नहीं चलता किस, लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों कि अमेरिका को जो भी वेस्ट कंपनी थोड़ा सा भी काम नहीं करने वाली हवाई के साथ, उनके फ़ोन पे वर्क नहीं करने वाला तो दोस्तों बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ तो फिर क्या करेंगे, अब चाइना में तो हवाई किस तरह चल रहा है क्योंकि यूट्यूब वगैरह चाइना में चलता नहीं दोस्तों, चाइना का थोड़ा सेटअप अलग है, लेकिन इंडिया में और जगह तो चलता है ना यूट्यूब, हर जगह चलता है। मान लीजिए आपके फ़ोन में यूट्यूब ना चले, सारे अपडेट आने बंद हो जाएंगे, सिक्योरिटी अगर कोई अभी एक अपडेट दिया था हॉनर ने कुछ फ़ोन पर अगर मिले थे तो अपडेट कर लो, देखिए कोई लास्ट अपडेट आता है तो अपडेट कर लो क्योंकि उसके बाद तो कोई अपडेट आपको मिलने वाला है नहीं अपने फ़ोन पे दोस्तों। तो दोस्तों यही था, जैसे अभी अब इसमें क्या था अब अपडेट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फ़ोन का। एक तरीके से मान लीजिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट नहीं है तो फ़ोन क्या, फ़ोन का फ़ायदा नहीं सिर्फ कॉलिंग के लिए रह जाएगा, कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। अगर अपडेट नहीं मिलेगा, कोई चीज़ लैग हो रहा है, कुछ भी कुछ हो रहा है तो फिक्स नहीं किया जाएगा कुछ भी, मतलब तो कैसे काम करेंगे। अब फ़ोन जैसे हो गया, अब यूट्यूब अपडेट करना तो सब अपडेट नहीं होगा तो फिर यूज कैसे करेंगे, यूज ही तो नहीं कर सकते ना, मेन तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों। अभी देखते हैं और क्या होता है, कैसे होता है वो तो पता नहीं दोस्तों, जो भी होगा अभी 2 महीने। लेकिन दोस्तों ये है हॉनर का, हॉनर हवाई के लिए खतरा तो है दोस्तों, अगर कुछ करता है तो अच्छी बात है दोस्तों, क्या पता खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों आसार तो ऐसे नहीं नज़र आ रहे, 1.5 महीने हो गया अभी तो कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे कि बैन होगा दोस्तों। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया दोस्तों, मैंने कल एक यूट्यूबर है उनका चैनल मतलब वीडियो अनबॉक्सिंग देखा दोस्तों, अभी सबको पता लगभग A to Z, कुछ लोगों को नहीं पता तो कह नहीं सकते दोस्तों कि बैन होने वाला, और उन्होंने हॉनर का कुछ फ़ोन्स नया उनकी अनबॉक्सिंग कर दी, वीडियो बना दी। यार इतनी तो सोचो यार, तुमने तो अनबॉक्सिंग कर दी, अगर बेचारा किसी ने देख लिया उसको नहीं पता वो तो ले लेगा ना फ़ोन, इसके बजाय एक वीडियो ये बना दो कि भाई क्या बंद होने वाला, कैसे किस तरीके से आप क्या करें, ले ना ले मतलब रुक जाए इंतजार करें, एक वीडियो बना दो दोस्तों, एक क्या दुख नहीं बनता। अभी कोई भी हॉनर के फ़ोन के भाई के फ़ोन के अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा दोस्तों, एक चैनल था मैंने इसलिए दोस्तों, एक भी ऐसा बंदा ना हो जो छूट जाए उसको ले ले फिर पाँच में पचास। तो आज के लिए तो इतना था, अगर कोई इसकी नई अपडेट आएगी जैसे 2 महीने की 1.5 महीने की लिमिट बची है मतलब टाइम दिया गया वो ख़त्म होता है तो उसके उससे पहले कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है आपके पास हॉनर 4 तो 1.5 महीने यूज कीजिए फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मेरे पास भी है दोस्तों हॉनर बैंड 3, मेरा भी 1.5 महीने बस शायद वॉच बन के रह जाएगा क्योंकि फिटनेस ट्रैकर काम नहीं करेगा, ऐप ही नहीं काम करेगा इसका,
फिटनेस ट्रैकर नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन घंटा का छोटा सा उसे क्लिक कर दीजिए, और मेरी वीडियो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके बोले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई और वीडियो नहीं शेयर करते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा कि एक भी ऐसा कोई इंसान रह जाए जिसको ना पता हो इसके बारे में, आपको पता हो उसको ना पता हो, फोन ले बाद में डेढ़ महीने, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा है बैन है, तो फोन शॉप वगैरह भी जाइएगा तो सस्ते में देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।